बेंगलुरु के घटनाक्रम की मंत्री कमलेश्वर पटेल ने निंदा की है। दिग्विजय सिंह अकेले किसी के लिए खतरा साबित नहीं हो सकते, विधायकों को दिग्विजय सिंह से मिलना चाहिए था। इन्हीं कुछ खास मुद्दों को लेकर के मंत्री कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार जो है एमपी में सियासी उठापटक का जारी है, सर दिग्विजय सिंह जी आज बेंगलुरु पहुंचे थे, विधायकों से मिलने की कोशिश करी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के प्रत्याशी हैं और किसी भी प्रत्याशी को अपने मतदाताओं से मिलने का अधिकार है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और दिग्विजय सिंह जी उन मतदाता साथियों से, सम्माननीय विधायक साथियों से मिलने के लिए बेंगलुरु गए थे और उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका ये लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। मिलने देना चाहिए, मत देना नहीं देना ये उनका अधिकार क्षेत्र है, मिलने से रोका जा रहा है, कई दिनों से बंदी बना के रखा है, उनसे थ्रेड करके वीडियो वायरल करा देते हैं। और देखिए, विधायक साथी हमारे साथ भी विधायक थे, उनके किस तरह से हंसते खेलते चेहरे थे, न क्षेत्र के लोगों से मिलने दिया जा रहा है, न परिजनों से मिलने दिया जा रहा है। लाखों वोटों से जीत के आते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपनी जिम्मेदारी जो उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है जनता की सेवा का, उससे विमुख कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बंदी बना के रखा है। मध्य प्रदेश में किसी को भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये पद्धति, ये जो प्रक्रिया है, ये मध्य प्रदेश के नियम कायदों पे नहीं है, ये दूसरे राज्यों का हो सकता है, मध्य प्रदेश में ये पहली बार इस तरह की घटना घट रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सर, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन विधायकों के आज भी वीडियो वायरल हुए हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें जो है किसी भी कांग्रेस के नेता से मिलना नहीं है। इसको लेकर उन्होंने जो है कर्नाटक के जो डीजीपी है उनको भी पत्र लिखा है और जो 16 विधायक है, इसके अलावा जो पूर्व विधायक है, सभी ने एक साथ पत्र लिखा है। ये स्क्रिप्ट जोर जबरदस्ती में लिखवाई जा रही है, ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सब जोर जबरदस्ती का है। अगर वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, तो छोड़ दो ना, क्यों उनको बंदी बना के रखा है? कौन सा ऐसा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों आजाद करके नहीं छोड़ा है? तो माननीय न्यायालय से भी और माननीय महामहिम से भी हमारे विधायक साथी कांग्रेस के नेता गए थे, इस मामले में हस्तक्षेप करिए और किसी को मिलने से नहीं रोका जा सकता है, मिलने दीजिए उनको, अपने क्षेत्र में आने दीजिए, बाकी जिस दिन मतदान होगा स्वतंत्र है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सर, आखिरी सवाल, के सीएम साहब भी बेंगलुरु जा रहे हैं, क्या बात करने की कोशिश की कर्नाटक के सीएम से? देखिए, प्रयास तो कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग बात करने को तैयार नहीं है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी किस तरह की मनसा है। तो सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है अब इसको पूरे घटनाक्रम को लेकर? घटनाक्रम को लेके एक तो जो एक विधि प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का भी हम लोग पूरी तरह से सम्मान करेंगे और सलाह लेके न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि बीजेपी जरूर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम कमलनाथ ने भी जो है कर्नाटक के सीएम और वहां के गृह मंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की और इसको लेकर कांग्रेस लगातार एक्शन में है और बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास में जो है कांग्रेस सरकार जो है मध्य प्रदेश की सफल नहीं होने देगी, ये कहना है मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश सेन, ID24 भोपाल।